हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 4, यूनिट 2 है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके कुछ टॉपिक्स अभी भी कवर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मैं यह चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और साथ में साइड बाय साइड कमिंग वीक्स में उन टॉपिक्स को भी मैं फिनिश कर दूंगा मैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को ही हम देखते हैं। इंटीग्रेशन, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, यानी कि जो भी हम डेरिवेटिव में करते थे उसी का जस्ट अपोजिट करना है हमें इंटीग्रेशन टॉपिक में। सो इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। यह दोनों ही इस सिलेबस के पार्ट हैं। अभी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देखने वाले हैं और आगे के कमिंग चैप्टर्स में हम डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। तो जो इंटीग्रेशन होता है उसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो यह लोअर पोर्शन है इसे लोअर लिमिट कहते हैं और यह जो अपर है इसे अपर लिमिट कहते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो डिफाइन कर दिया है ए और बी के बीच में। तो जब यह डिफाइन हो जाता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो उसे हम डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर यह नहीं दिया गया होगा, सिर्फ यह सिंबल दिया गया होगा, तो उसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव से उल्टा कैसे है, यानी कि अपोजिट। तो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा पहले कि मान लीजिए फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर, और यह जो एक्स स्क्वायर है इसे हमें डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट करने के लिए हम लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो यहाँ पे हमने जो ये डी है वो डेरिवेटिव का डी है और डी एक्स जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर हम इस डी एक्स को इस साइड लेके चले जाएँ तो यह हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, और इसे हम इंटीग्रेट कर दें। यहाँ पे डी था यानी कि डेरिवेटिव, यहाँ पे यह सिंबल है यानी कि इंटीग्रेशन है। तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यह फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर। इसके साथ में जस्ट एक प्लस सी करके आता है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर आप फॉर्मूलाज में देखेंगे तो डेरिवेटिव में भी प्लस सी लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन में भी प्लस सी लिखा हुआ है। तो वह रीज़न क्यों है? क्योंकि इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ में वह कांस्टेंट भी आता है, बट डेरिवेटिव में क्या होता है कि वह जो कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो जाता है फॉर्मूला के अनुसार। तो इस वजह से हम डेरिवेटिव चैप्टर में यह कांस्टेंट नहीं लिखते थे, बट यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में कंपेरेबल करने के लिए। एक्चुअल में यह जो सी है वो यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया है और सी यानी कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया है, तो हम नहीं लिखते हैं, तो इस वजह से यह 2x आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड का टर्म है 2x, इसी में हम dx मल्टीप्लाई करते हैं जो कि यह टर्म है, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो यह जस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखते हैं इंटीग्रेशन के, जो कि हमें बाय हार्ट होने चाहिए, और यह जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है डेरिवेटिव का। अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी जस्ट अपोजिट है इस तरह। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह सी आता है इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में यह सी नहीं आता है। अब हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख लेते हैं और इनका कोरिलेशन देखते हैं डेरिवेटिव से। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला था डेरिवेटिव में,
कि कोई भी कांस्टेंट होता था उसे हम डेरिवेट करते थे तो उसका वैल्यू ज़ीरो आता था। बट यहाँ पे यह अपोजिट होता है, यानी कि अगर हम ज़ीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट आता है। कैसे आता है वो देखते हैं पहले। तो डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर यह डी एक्स को इस साइड लेके चले जाएँ तो यह चेंज हो जाएगा ज़ीरो इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, तो यहाँ पे यह कांस्टेंट था तो यह राइट साइड में आ गया। समझ रहे आप? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल में मैंने बताया था कि जो प्लेस है वो कैसे इंटरचेंज होता है। यहाँ पे जो फंक्शन डेरिवेट होता था वो यहाँ पे राइट साइड में आ गया, और यहाँ पे जो राइट साइड में जो वैल्यू आता था डेरिवेटिव का वो यहाँ पे आ गया इंटू डी एक्स। जस्ट इसी के बेस पे पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला है एक्स प्लस सी। तो यह एक्स प्लस सी लिखने का रीज़न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यह कांस्टेंट आता है इस वजह से, अदरवाइज यह सी लिखने का कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि यह कांस्टेंट है इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट ज़ीरो आएगा। तो अगर हम एक्स को डेरिवेट करते थे तो वो उसका वैल्यू वन आता था। तो यहाँ पे क्या किया है कि वन को नहीं लिखा है, उस इंटू डी एक्स किया गया है और इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो इसका जो वैल्यू आता है एक्स प्लस सी। सेम वे अगर एक्स के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट है के, तो के एक्स प्लस सी इसका वैल्यू आता है के न कि वन। तो हम के साथ में डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा के एक्स प्लस सी। तो ये चौथा फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो जब हम इस फंक्शन को डेरिवेट करते थे तो हमें यहाँ पे मिलता था एक्स पावर एन, बट यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यह जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएगा एक दूसरे के साथ में और प्लस सी आ जाएगा। पांचवा फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ई। तो लॉग एक्स को हम डेरिवेट करते थे तो वन अपॉन एक्स आता था, बट अगर हम वन अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा लॉग एक्स बेस ई। छठा फॉर्मूला है सिमिलर टू फोर्थ वन। तो यहाँ पे यह प्लस एन था, यहाँ पे यह माइनस एन है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्स पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस सी आ गया है, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक्स पावर माइनस एन होगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक्स पावर माइनस एन लिखा है, बट यहाँ पे वन अपॉन एक्स पावर एन है, तो इसका मीनिंग सेम होता है। अगर कोई भी टर्म में पावर में माइनस होगा तो उसे हमें रेसिप्रोकल में लिखना है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे यह माइनस एन था तो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया और यह प्लस एन हो गया, तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक्स पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। अगर आप यह फोर्थ और सिक्स नंबर का फॉर्मूला जो है इसे कंपेयर करेंगे डेरिवेटिव के फॉर्मूला से तो यह नहीं मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे एक्स पावर एन का फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, न कि इस टर्म का। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि स्पेशली मॉडिफाई किए गए हैं, या फिर आप एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे और साइड में फॉर्मूलाज भी लिखते जाएंगे तो भी आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यह बेस्ट वे है फॉर्मूलाज को याद करने का, तो आप वह अप्लाई कर सकते हैं। सेवेंथ है डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन ए इंटू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो भी आप यहाँ पे देखेंगे वन अपॉन ए यह कॉन्स्टेंट है तो यह तो बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, और लॉग ए एक्स प्लस बी तो यह कंपोजिट फंक्शन है, तो इसे हम डेरिवेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, बट यहाँ पे यह फॉर्मूलाज के तौर पे डायरेक्टली लिखा गया है। तो अगर आपको यह खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करना है तो आप यह सॉल्व कर सकते हैं और आपको यह टर्म मिलेगा। तो इसे हम डेरिवेट करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू वन अपॉन ए प्लस सी। यह जो फॉर्मूला है यह भी सिमिलर टू फोर्थ और सिक्स के है। फोर्थ में जो एन था वो इंटीजर था, बट यहाँ पे जो है यह फ्रैक्शन में है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे यह प्लस है और यहाँ पे यह माइनस है, और थर्ड टाइप आता है फ्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आठ
फॉर्मूलाज में से तीन फॉर्मूला तो सिमिलर टाइप का ही हो गया। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं उसे थोड़ा थोड़ा चेंज करके बड़ा दिखाया गया है, बट अगर आप वो फॉर्मूलाज के क्वांटिटी को रियल में मेज़र करेंगे तो वो बहुत ही कम होगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, आपको जस्ट समझना है। अगर आपका फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो यह चैप्टर बहुत ही सिंपल जाएगा आपको कंपैरेटिवली डेरिवेटिव के, क्योंकि डेरिवेटिव में हमने बेसिक टाइप के डेरिवेटिव्स सॉल्व करना हमें आ गया है, तो इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है। अब हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं। तो डेरिवेटिव में पहला फॉर्मूला था हमारा e पावर x, इसको अगर हम डेरिवेट करते थे तो हमें मिलता था यहाँ पे e पावर x एज इट इज़। सेम वे यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी होता है, अगर e पावर x है इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा e पावर x। और दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे डेरिवेटिव में a पावर x अपॉन लॉग a बेस e, तो इसे हम डेरिवेट करेंगे तो हमें मिलता है a पावर x। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, a पावर x इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट हमें यहाँ पे a पावर x अपॉन लॉग a बेस e मिलता है। यहाँ पे यह जो टर्म है इसे थोड़ा समझना है हमें, क्योंकि यह नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, मीन्स ये बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव में हमने इस तरह के टर्म्स देखे थे x इंटू लॉग x माइनस x, तो इसे हम डेरिवेट कैसे करते थे, इसे u इंटू v कंसिडर करके, और यहाँ पे जो x है उसको 1 आता था डेरिवेट करने पे। तो यहाँ पे यह डायरेक्टली इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव टर्म है लॉग एक्स बेस ई, तो यहाँ पे भी जस्ट अपोजिट होगा। अगर आपके पास लॉग एक्स बेस ई है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई माइनस एक्स प्लस सी। तो ये जो थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ फॉर्मूला है, अगर आप यह नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सेप्शनल जगह पे यूज़ होता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को गो थ्रू होंगे तो वैसे वैसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है। और अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो यहाँ पे साइन एक्स को डेरिवेट करते थे तो कॉस एक्स मिलता था हमें, तो यहाँ पे हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स मिलता है। और डेरिवेटिव में हम कॉस एक्स को डेरिवेट करते थे तो माइनस साइन एक्स मिलता था, तो जो माइनस टर्म है यहाँ पे लिखा गया है, तो जिस वजह से जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आएगा। अभी आपको यहाँ पे यह चीज़ ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में सॉल्व करते टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, जैसे कि कॉस एक्स को डेरिवेट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आता है, और यहाँ पे साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आता है। तो समझे आप कि साइन और कॉस ये दो रेशियोज हो गए, और पहला जो है वो डेरिवेटिव है और जो दूसरा है वो इंटीग्रेशन है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूलाज आप इस तरह बाय हार्ट करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा कि माइनस कॉस एक्स लिखेंगे और उसको डेरिवेट करेंगे तो साइन एक्स आएगा, और यह जो डी एक्स है यहाँ पे आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, और इसे इंटीग्रेट करोगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह ट्रिक्स से आप फॉर्मूलाज भी याद रख सकते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। अब टेन एक्स को हम डेरिवेट करते थे तो हमें मिलता था सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स मिलेगा, और कॉट एक्स को हम डेरिवेट करते थे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता था, तो वो जो माइनस है वो यहाँ पे लिखा है, तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस कॉट एक्स। इसी तरह आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं। फिफ्थ है कि सेक एक्स को डेरिवेट करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिलता है, और यह सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा सेक एक्स। सिक्स है माइनस कोसेक एक्स, तो इसे हम डेरिवेट करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिलेगा, और इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो माइनस कोसेक एक्स आता है।
तो यहाँ पे ये प्लस सी जो है वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन में सी आता ही है, यानी कि कांस्टेंट। और सेवेंथ है लॉग सेक एक्स प्लस सी इजिकल टू टेन एक्स। अभी आप यहाँ पे आगे के जो फॉर्मूलाज देखेंगे तो यह एक तरीके का डिराइव फॉर्मूला है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, डिराइव किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लॉग सेक एक्स है। तो यह देखेंगे तो आप, यह कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये लॉग एक्स आता है, और लॉग एक्स को आप डेरिवेट करते हैं तो 1/x आता है। बट यहाँ पे x की जगह पे क्या है, ये sec x है, और आप क्या करेंगे, इसे वापस डेरिवेट करेंगे sec x को, और sec x को हमने डेरिवेट किया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मिलता है क्या हमें, sec x इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे अपॉन sec x। तो भी आप देखेंगे यह दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पे मिल गया आपको टेन एक्स। तो यानी कि यह जो फॉर्मूलाज है आगे के चार फॉर्मूलाज, यह डिराइव्ड फॉर्मूला है, न कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन में इसका अपोजिट होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको टेन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेक एक्स, और कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास लॉग साइन एक्स आता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यह तो रेशियोज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से आ गया है, बट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो नहीं है, नहीं इन द सेंस कि यहाँ पे देखेंगे तो कॉस है, साइन आया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब जाकर के यहाँ पे सेक एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स आया है। तो इस वजह से इसे यहाँ पे डिराइव्ड किया है डेरिवेटिव में। तो इसका जो यहाँ पे रिलेशन है वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेरिवेटिव में, बट इंटीग्रेशन में इसका रिलेशन है। तो अगर आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो आपको याद करना होगा कि लॉग सेक एक्स आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से, बट अगर वह इंटीग्रेशन में आता है लॉग ऑफ सेक एक्स, तो आप इसे डायरेक्टली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यह एडिशनल पार्ट है इंटीग्रेशन में। सेम वे नाइन्थ में भी दो टर्म्स आ जाते हैं, कि मान लीजिए आपके पास सेक एक्स आता है और इसे इंटीग्रेट करना है तो यह हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और यह जो टर्म्स हैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो टेन के टर्म्स में भी आ जाएगा एक्स अपॉन टू प्लस पाई बाय टू फॉर्म में। और सेम वे कोसेक एक्स के लिए भी आता है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इजिकल टू लॉग ऑफ टेन एक्स अपॉन टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो है वो हर जगह पे हैं। अगर आपने सेम वन में अच्छे से फॉर्मूलाज याद किए हैं तो आपको यहाँ पे सेम टू में बहुत ही हेल्पफुल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इसके अलावा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मिसलेनियस टाइप के फॉर्मूलाज भी हैं, लेकिन मैं उसको अभी यहाँ पे डायरेक्टली बताने से अच्छा है कि मैं उसे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तब मैं बताऊँ, ताकि वो आपको क्लियर भी हो जाए। इसका जो फॉर्मूला शीट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा सेपरेटली, तो वहाँ पे से भी आप रिफर कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन के दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हम देखने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूजफुल होंगे। तो उसमें सबसे पहला जो रूल है वो है कॉन्स्टेंट का, कि मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेट करना है के इंटू एफ ऑफ एक्स और डी एक्स है, यानी कि एक फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसके साथ में एक कांस्टेंट यानी कि कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस के को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, यानी कि यह बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम सेम फॉर्मूला डेरिवेटिव में भी यूज़ करते थे, कि डेरिवेटिव में क्या होता था कि मान लीजिए 3x² है, इसे डेरिवेट करना है तो 3 को हम ऑलरेडी बाहर लिख देते थे क्योंकि वो कांस्टेंट है, और हम डेरिवेट करते थे सिर्फ x² को, और फिर इसे मल्टीप्लाई करते थे 3 से। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है यह फॉर्मूला, कि जो कोफिशियंट होगा उसे हम बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन के। और दूसरा फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स आएगा प्लस जी एक्स और डी एक्स, यानी कि दो फंक्शंस साथ में रहेंगे और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं,
यानी कि यह हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आया है, अगर इन केस यहाँ पे माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो यह जो रूल है वो डेरिवेटिव से अलग है। डेरिवेटिव में क्या होता था कि इसे कम्प्लीटली एक टर्म कंसिडर करके हम सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे यह अलग अलग है, तो हम इन टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि मान लीजिए आपके पास कंपोजिट इंटीग्रल आता है तो उसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कंपोजिट इंटीग्रेट यानी कि सिर्फ एफ एक्स नहीं होगा, उसके साथ में टर्म्स इन्वॉल्व होंगे या फंक्शन के अंदर, जैसे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये जो फंक्शंस है वो सिंपल फंक्शंस थे, उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा अंदर टर्म्स इन्वॉल्व नहीं थे, बट यहाँ पे क्या है, यह फंक्शन जो है वो कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि इसमें ए एक्स प्लस बी यह इक्वेशन फॉर्म है। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह हो जाएगा एफ, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो गया इस फंक्शन का ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, और जो x है इसका जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाएगा प्लस c। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आपको ध्यान भी देना है कि कंपोजिट इंटीग्रल है वो है या नहीं है, तो इसे भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे जस्ट एक चीज़ का ध्यान देना है कि यह जो फंक्शन है वो लीनियर कंपोजिट फंक्शन होना चाहिए, यानी कि ए एक्स प्लस बी फॉर्म में और दूसरे फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यह जो था वो तो जनरल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। अगर सेम टर्म अभी हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़े थे वहाँ पे भी आएगा तो भी सेम तरीके से उसे इंटीग्रेट करना है, जस्ट वहाँ पे 1/a ऐड करना है, ऐड मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको यह भी क्लियर होते जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में है एक्स पावर एम प्लस एम पावर एक्स प्लस एम पावर एम डी एक्स। यह क्वेश्चन बोर्ड में 2012 में पूछा गया था। तो जैसा कि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का सेकेंड रूल देखा था कि ब्रैकेट के अंदर फंक्शंस होंगे तो उसे हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सेम वे यहाँ पे भी हो जाएगा कि सभी टर्म्स को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, वाई कंसिडर करते थे, जो फंक्शन दिया गया होता था। यहाँ पे हम इसे आई कंसिडर करेंगे, तो यह हो जाएगा एक्स पावर एम प्लस एम पावर एक्स प्लस एम पावर एम और डी एक्स। तो इसे हम सेपरेटली लिख देते हैं, एक्स पावर एम डी एक्स प्लस एम पावर एक्स डी एक्स एम पावर एम डी एक्स। तो अभी जो एक्स पावर एम, इसे टर्म को हम फॉर्मूला शीट से कंपेयर करेंगे, तो यह हो जाएगा एक्स पावर एन फॉर्म में, और इसका इंटीग्रेशन है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे, एक्स पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, और फॉर्मूला में जो यह सी है वो हम सबका कॉमन लिखेंगे साइड में। तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेट हो गया, सेकेंड टर्म देखेंगे एम पावर एक्स, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो अलग है, ए पावर एक्स, यानी कि ए जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है वो पावर में है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एम पावर एक्स अपॉन लॉग एम बेस ई, इस फॉर्मूला के अनुसार। अभी यहाँ पे एम पावर एम, तो इसे देखेंगे तो यह कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार यानी कि फर्स्ट रूल के अनुसार यह जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर बसता है सिर्फ डी एक्स, तो यानी कि 1 × dx। अगर हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आता है एक्स, यहाँ पे यह ध्यान देना है आपको, और यह मैंने सभी का कांस्टेंट साइड में लिख दिया है। सो एक्स पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन प्लस एम पावर एक्स अपॉन लॉग एम बेस ई प्लस एम पावर एम, और यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पे सी। तो इस तरह यह जो टर्म है वो इंटीग्रेट हो गया है और यह इसका फाइनल आंसर है।
तो इसी तरह हमें आगे के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई प्लस ई पावर ई डी एक्स। और यह क्वेश्चन विंटर 2016 में पूछा गया था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कंसिडर करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई प्लस ई पावर ई डी एक्स। तो यहाँ पे तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो हम इसे सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स पावर ई डी एक्स प्लस ई पावर ई डी एक्स। तो ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होता है, तो इस वजह से यह हो जाएगा ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई। तो अगर इस टर्म को आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे तो यह हो जाता है एक्स पावर एन फॉर्म में। तो उसका इंटीग्रेशन था एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और ई पावर ई। तो इसमें कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है एक्स, तो इस वजह से यह क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हम बाहर लिख देते हैं, तो अंदर बचता है सिर्फ वन, और जो वन है उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो इस वजह से यह हो जाता है ई पावर ई इंटू एक्स, और यह तीनों का कांस्टेंट सी। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखा आपने, यह जो चैप्टर है यह भी फॉर्मूला के बेस पे ही है जैसा डेरिवेटिव में था। तो जैसा आपने डेरिवेटिव में फॉर्मूला यूज़ करते गए हैं, सेम वे यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला ही यूज़ करते जाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, यहाँ पे अंडर रूट है 4 और टर्म्स हैं 2 - 3x, इसका होल क्यूब है। तो इसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यह बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट है यहाँ पे 4, 2 - 3x और यह 3। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह सिंगल है या कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 - 3x है, यानी कि यह फॉर्म है ए एक्स प्लस बी का, तो यह लीनियर कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी फॉर्मूलाज बताया था कंपोजिट इंटीग्रेशन का, वह फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो उसके पहले हम यहाँ पे इंडाइसेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 2 - 3x³ है और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4 है, तो इसका मीनिंग निकलता है कि 3 × 1/4। तो यह टर्म को हम इस तरह लिखेंगे पावर फॉर्म में, 1/2 - 3x, और यह हो जाएगा क्यूब है तो 3 और अंडर रूट है यहाँ पे 4, तो इस वजह से ये आ जाएगा 4 और डी एक्स। अब यह जो पावर है वो पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएं तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यह चेंज हो जाएगा 2 - 3x⁻⁴ डी एक्स। यह चीज़ मैंने फॉर्मूलाज में आपको बताया है कि एक्स पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/(x)n होता है वाइस वर्सा, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो अभी आप देखेंगे कि यह जो टर्म है एक्स पावर एन फॉर्म में आ गया है। तो यह जो फंक्शन है वो एक्स हो गया और यह जो पावर है वो एन हो गया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एन प्लस वन आता है और डिनोमिनेटर में एन प्लस वन आता है। मैंने यहाँ पे गलती किया था कि यह एन नहीं होगा ई होगा, क्योंकि यहाँ पे ई है। तो इसके इंटीग्रेट करते हैं हम 2 - 3x और इसके पावर में -3/4 + 1 और डिनोमिनेटर में -3/4 + 1 इंटू, मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि 1/a आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे जो a है वो -3 है न कि 3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -3 है। तो इस वजह से यहाँ पे 1/-3 आ जाएगा कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -3/4 यह जो है
फ्रैक्शन है और वन, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस वन, सो माइनस थ्री प्लस फोर अपॉन फोर, तो यह हो जाता है वन अपॉन फोर, और यहाँ पे भी यह वन अपॉन फोर आ जाएगा। सो टू माइनस थ्री एक्स वन अपॉन फोर अपॉन वन अपॉन फोर इंटू माइनस थ्री, तो वन अपॉन फोर इसका मीनिंग होता है कि यह रूट में आ जाएगा, और यह डिनोमेटर का डिनोमेटर में है तो यह ऊपर चले जाएगा। तो यह फोर आ गया यहाँ पे, और माइनस थ्री है वो एज इट इज़ यहाँ पे रह गया, और यह पावर में है वन अपॉन फोर, इसका मतलब है कि यह अंडर रूट में होगा। सो टू माइनस थ्री एक्स और यहाँ पे फोर आ गया, तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यह जो चैप्टर है पूरा का पूरा फॉर्मूला के बेस पे है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, और आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और साथ में ही आपको जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे फॉर्मूलाज से रिलेटेड आपका रिविज़न भी हो जाएगा और जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि फॉर्मूलाज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।